मतलब जाने लगे हैं नानों के घर, मामूलों के घर, बुजुर्गों वाला। तो अभी वो गया था ना, तो ये मेरी लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे और भी फैमिलीज वगैरह बैठी हुई थी, उनकी मैंने वीडियो बनाई। ये लाइटें बार-बार इधर 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 कर रहे हैं, कहां से छोड़े चले आ रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड, तो अब फिर मैंने आपसे आज का मेकअप करा हुआ था, नेगा जरा लाइटें करा मार ले। मैंने कहा था ना आपसे पूछ, इट्स ब्रेकफास्ट टाइम। अब जल्दी जल्दी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। अभी हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाय वगैरह पी लूँ अभी गरम गरम है। तो जी फ्रेंड्स, अभी है जी दोपहर का टाइम, और ये देखिए मामा ने अभी क्या बनाया है, चिकन पुलाव, बहुत ही यमी यमी सा। ये देखिए कितनी प्यारी मज़ेदार सी लुक आ रही है। और ये मामा ने घर वालों के लिए बनाया है, मतलब जिशान, बाबा और अनिका, ताकि उनका एक दिन का तो मतलब एक हो ही जाएगा, वो पीछे से आराम से ना चिकन पुलाव खा लेंगे, तो हमने नेक्स्ट डे में आ ही जाना ना, तो इसलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, वाह कितने मज़े का लग रहा है ना। तो मामा कहते चलो फिर हम सब रेडी शेडी होते हैं, जाते हैं, और ये लोग पीछे से फिर ये गर्म गर्म में तो खा लेंगे। तो अब चले हम रेडी होते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखें ये मेरी फुल लुक है। हमारा बैग पैक अभी हो चुका है, और बाबा भी पढ़ने गए हैं नमाज। अब जैसे ही वो नमाज पढ़ के आते हैं, मामा भी नमाज पढ़ ले जोर के, फिर मामा रेडी रेडी तो हो गई हैं। तो अभी मैं भी रेडी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि अभी हम जा रहे हैं, और मैंने बस ना ऑक्सीजन लगानी है। ये मास्क भी मैंने पहन लिया, मैंने साफ करना था ना, मैं पहले पहले मास्क पहन लिया था, उससे देख थर्मल एस। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको ना सीधा जाके मिलती हूँ। ओके, तो अभी हम बस तैयारी कर रहे हैं, मैं ज़रा ऑक्सीजन लगा लूँ। ओके जी, मैंने आपको लुक दिखानी थी, तैयारियाँ बतानी थी अपनी, बता दी। ठीक है जी, चलें अब चलते हैं, मैं आपको वहाँ जाकर मिलती हूँ, आई थिंक बस में। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, अभी हम बस में बैठ चुके हैं, और ये अब हम जा रहे हैं। और ये देखें जी, और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतनी प्यारी यहाँ पे सड़कें थी, इतना प्यारा मौसम भी था, थोड़ी थोड़ी धूप थी हल्की हल्की, लेकिन मज़ा आ रहा था, खुशी थी, एक्साइटेड थे हम, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इतनी देर के बाद नानोगढ़ जा रहे थे ना, कज़नों वगैरह से मिलने, वहाँ पे मामूलों के घर, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, एक अलग ही मज़ा आ रहा था, और इतनी प्यारी प्यारी सके। हम मैंने कहा शुक्र है मैं सारा कैश एंड कैरी से भी आगे कहीं गई हूँ, नारोवाल से आगे भी कहीं घूम रही हूँ, बड़ा टाइम हो गया था नहीं थे जाते। काश जिहान भी ठीक होता, वो भी साथ जाता, हम सब बहन भाई जाते हैं ना, सारे फैमिली वाले से ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन चले कोई बात नहीं, उनको फिर हम बाय बाय करके आ गए थे। तो ये देखिए जी, इतना टाइम हो गया था ना, तो ये मेरी लुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पीछे और भी फैमिलीज वगैरह बैठी हुई थी, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे तो, और फिर गर्मी थी, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो मैं साथ अपने ना जूस वगैरह लाई थी,
तो मैंने कहा चले जी मैं जूस पीती हूँ। मेरे मामा से कहा मामा जी मुझे जूस निकाल दें। फिर मामा ने ये देखे जूस दिया, मैं जूस पिया। पता है गर्मी बहुत ज़्यादा थी ना, तो पानी की बोतल और जूस वगैरह रखना ही चाहिए। और ये देखे जी नहर, तो ये बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मेरा हाथ थक गया था। मैंने कहा अब थोड़ी थोड़ी जगह की मैं वीडियोज़ वगैरह बना रही थी। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन ना इतना लंबा मतलब लंबा सफ़र लग रहा था हमें। तो हमने कहा कि चलो अब जल्दी घर पहुँचते हैं, तो फिर मैं आपको ना वहाँ जाके अब दिखाती हूँ, ठीक है जी। तो ये देखिए जी फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं जी मामू लोगों के घर। तो आके थोड़ा बहुत हमने सांस लिया, बातें चाहते कि घर वालों को बताया कि हम आ चुके हैं। और ये मेरा छोटा सा कज़न है अब्दुल्ला, ये इसने सारी ना ड्राइंग्स बनाई हैं, स्केचेस वगैरह सबके अपने कज़न्स वगैरह की। ये मेरा बनाया हुआ है और भी बाकी सबके भी बनाया है, तो वो दिखा रहा है। तो अभी घर में मैंने ना फ़ोन करके बता दिया था कि हम आ गए हैं, पहुँच चुके हैं। और हम सब आपस में बैठ के बातें शातें कर रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था, गपशप लगा रहे थे। मैंने जूस वगैरह भी पिया। और अभी ये देखिए अब्दुल्ला अपने स्केच वगैरह दिखा रहा था, तो मैं उसको कह रही थी बहुत प्यारे बहुत प्यारे, तो चलो मैं वीडियो में भी दिखाती हूँ अपने फ्रेंड्स को। और ये अब्दुल्ला की ड्राइंग्स है कलरफुल वाली, और छोटा सा है और टैलेंट देखे उसमें कितना, कूट कूट के बड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आखिरकार कज़न किसका है? बंदा है ना वैसे। और वैसे देखे माशाल्लाह बड़ी बड़ी प्यारी इसने ना ड्राइंग्स वगैरह बनाई थी, और मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो कहता हाँ जी आप ही वीडियो बनाओ, मैं देखूँगा इसमें भी देखूँगा। और ये देखिए बड़ी माशाल्लाह अच्छी मुझे लग रही थी। तो आप बताना आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी। और ये डोरेमोन इनको तो सब भी जानते ही होंगे। तो ये देखिए ये जैरी है, और ये पता नहीं क्या था, ये समझ नहीं आई। अच्छा जी ये देखें जी फ्रेंड्स, तो मैं आपको ना ये ड्राइंग्स वगैरह अभी दिखा रही हूँ ना। तो अभी जो है ना मामा मामी बातें कर रहे हैं, मामू वगैरह हम सब कर रहे थे। और ये देखें सबसे प्यारी ड्राइंग, ये देखिए अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, ये खाना काबा है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी ड्राइंग्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी ना हम सब बातें कर रहे थे, ये कहता बातें शातें बाद में होती रहेंगी, पहले मेरी ड्राइंग्स देखो। थोड़ा सा जाके ना अंदर से ड्राइंग्स वगैरह ले आया, मैंने कहा चलो पहले इसकी देख लेते हैं, तो ये भी खुश हो जाएगा। तो मुझे मेरा कज़न ना बड़ा प्यारा लगता है, क्यूट सा छोटा सा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा जी ये देखिए जी इसे कहाँ कहाँ ड्राइंग्स बनाई हुई हैं, ये छोटे छोटे से झंडियाँ हैं ना उसके ऊपर भी बनाई हुई हैं। मैं हैरान, मैंने कहा तुम्हारी जगह नहीं मिलती तो यहाँ भी बना लेते हो। मैं तो चेक कर रही थी कहीं दीवार वगैरह पर तो नहीं बनाई हुई, लेकिन नहीं वहाँ नहीं बनाई हुई, इतना उसको पता। तो ये सारी छोटी छोटी सी इसने ना बनाई हुई थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी। तो मेरी कज़न है ना मिनाल, उसको भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ना ड्राइंग बनानी आती है, पेंटिंग वगैरह। तो ये हम कुछ कुछ कज़नों में ना ये टैलेंट है ड्राइंग का, एक मैं हूँ साथ में ये कज़न्स हैं, तो इनको ना बड़ा शौक है। कभी कभी तो हम रेस लगाते हैं कि एक पिक्चर सेलेक्ट करके ना, और बाद में कहते हैं कि देखते हैं अभी इस जैसी सेम कौन बनाता है इस तरह, और बड़ा मज़ा आता है फ्रेंड्स, बड़ा शुगर लगता है, बड़ा मज़ा आता है। तो घर में हम जिशान को और बाकी सबको वॉइस कर दिए थे, और हमने कहा चलो हम फ्री होकर ना तो बाद में भी बातें वगैरह करेंगे। तो ये ड्राइंग्स वगैरह दिखा रहा था, मैं वीडियो बना रही हूँ। उसके बाद जी मैंने कहा चलो ये दिखा दो, तो फिर मैं रेस्ट करना है। तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, बाहर इतनी गर्मी थी फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, घर आए हैं तो सुकून हुआ है, बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी सच में। फिर यहाँ आए हैं, सांस वगैरह लिया, सबको देख के तो इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है ना सबसे, और इतने खुश हो गए हम सब मिले हैं। तो हमारी बातें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी, रहती थी, मैंने कहा चलो ये पेंटिंग्स वगैरह ख़त्म होती हैं ना ज़रा, तो फिर मैं ज़रा बातें शातें करूँ ज़रा, फिर मज़ा आएगा ज़्यादा। ओके जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए अभी मैंने रेस्ट कर रही थी, तो अब्दुल्ला ना मामू के साथ गया जी शॉप पे, और शॉप पे जाके ना अपनी पॉकेट मनी से, तो ये देखिए क्या लाया, इतना प्यारा सा टैब लाया, ये टॉय है, और यहाँ पे इस पेंसिल से इस तरह से लिखते हैं, उसके बाद जी रेस भी हो जाता होता है फिंगर से भी, मतलब नेल से भी लिख लेते होते हैं, और ऐसे भी। और ये डस्टबिन वाला जो बटन है ना, इसको प्रेस करते हैं और सारा एक मिनट में रेज हो जाता है, बल्कि एक सेकंड में, एक सेकंड में ये देखिए रेज हो जाता होता है। और ये ईशा देखिए क्या लिख रही है, ये देखें जी ये बार बार रेज कर रहे हैं, तो ये देखिए क्या लिखना चाह रही, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा ईशा नहीं तुम दोबारा लिखो, मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स को। ये देखिए जी अरीबा, आप पढ़ रहे होंगे ना, लाइफ स्टाइल, ठीक है जी फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके जी। तो माशाल्लाह ये बड़ा प्यारा टैप था ये अब्दुल्ला लाया था ना, मैंने कहा चलो सही है, इतना ज़्यादा पेज वगैरह पर स्केच बनाता है, ड्राइंग वगैरह बनाता रहता है, अब ये आ गया ना, बनाया डिलीट कर दिया, बनाया डिलीट कर दिया। तो ये बहुत अच्छा टॉय है, सबको बड़ा पसंद आया, और कलरफुल है ना, इस तरह पेंसिल जो है ना कलरफुल है, इस तरह हो जाता होता है। तो
तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, हम सब इसके पीछे पार के चलो जी हमें भी दिखाओ, हमें भी चेक करवाओ, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हमने कहा चलो ठीक है आप पेंटिंग वगैरह बनाओ, इस पर स्केच वगैरह बनाओ, खेलो, तो हम सब अब बातें करते हैं। ठीक है जी, ये देखिए जी फ्रेंड्स, बातें शातें हो गई, रेस्ट वगैरह हो गया जी। इसके बाद मेरी एक और खाला आ गई हैं, अभी हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, और ये अंदर मम्मी ने जी खाना भी बना दिया है, और यहाँ पे जी मैं बैठी हुई हूँ। ये देखें जी, ये मम्मी ने बनाई है जी चिकन बिरयानी, साथ में बोतल है, रायता है, सैलड है, ये फिर से मैं ही हूँ। तो मैंने इन्हें डबल शॉट लिया है, और मैंने कहा था ये ना ड्राइंग रूम की भी वीडियो बनाओ, दिखाओ ड्राइंग रूम, और ये मियाँ मेरे कहने पे ना कैमरामैन बनी हुई थी। ठीक है जी, तो जी अब चले डिनर कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ये मेरी प्लेट मामा ने बनाई है, और ये बाकी सब बैठे हुए हैं जी, सब लोग, मेरे मामू, कज़न वगैरह, खाला और बाकी, और ये मेरी मामा भी, तो हम सब मिल के तो यहाँ पे बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और इतनी यमी बिरयानी थी, बहुत मज़ा आया जी। तो चले जी फ्रेंड्स, अब सब ने ना डिनर वगैरह कर लिया था, बिरयानी बहुत मज़े की थी, बड़ा मज़ा आया, और अब है जी टी टाइम। और ये देखिए जी, सबके लिए टी आ चुकी है, अभी हम टी टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो था ना क्लिप, ये मेरा कज़न अब्दुल्ला बना रहा था, तो यहाँ पर मुझे कैमरामैन की कमी नहीं है, मैं जिसको मेरी मर्ज़ी कह देती हूँ वो काट देते हैं, वीडियो वगैरह बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरी खाला लाई थी जी मिठाई, तो अभी हम सब मिठाई खाने लगे थे, तो यहाँ पे सबके पोज ही नहीं थे ख़त्म हो रहे, कैमरा बस दिख जाए सही, इनको होता है हमारे हैंड्स आ जाए चीज़ें थे। तो मैंने कहा चलो जी अब उठाओ अपने अपने, ये ऐसे डेकोरेशन के लिए नहीं लाए मिठाई। तो यहाँ पे मेरी कज़न उठाने की कोशिश कर रही थी, उसे पहले मैंने थोड़ी सी खा ली, मैंने ही सड़ा लिया, तो बाकी सब भी फिर ये देखें मेरी कज़न ले लिया, तो अभी बाकी सब भी अपनी फेवरेट खा रहे थे, सबका ना टमी फुल था, तो इसलिए इतना ज़्यादा किसी ने नहीं खाया, बस टेस्ट की थी, क्योंकि सारे फोर्स कर रहे थे कि खा लो खा लो, तो फिर हम सब की बातें नहीं थी ख़त्म हो रही, हम गर्ल्स कह रहे थे कि हमें ये ना बस कोई केक सो जाओ, तो बड़ा मज़ा आया जी। फिर मैंने कहा चलिए ये ठा लें, अब कुछ और करते हैं, तो चले मैं अब आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इधर ना हम सब कजन्स ना हैंड से पेंटिंग ना लगे तकरीबन, ये हमारी एक याद हो जाएगी, एक मेमोरी हो जाएगी, मतलब अच्छी। अल्लाह, यहाँ पे ईशा यहाँ पे पेंट कर रही है अपनी, बहुत अच्छी कजन को मुझे इसने डिच करवा दी, मेरी बेस्ट फ्रेंड नूर फातिमा मुझे डिच करवाया। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, मुझे ये कलर मिला डूल डूल के, एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड अरीबा, बिना ही तो दिखाना था, ये मेरे ड्रेस के साथ का मैच, मुझे कलर ठुआ दिया जबरदस्ती, माशाल्लाह। ये ईशा, ये शुक्र का तुम कलर दे दिया ईशा, तुम्हें कलर का बगैर हाथ लगवा देना था ट्रांसपेरेंट, ये पकड़ लो, ये अपनी फ्रेंड का हाथ लगवाते हुए ये देखे कैसे टच करके लगवा रही है। ओह माय गॉड, टची टची मेरे हाथ में खराबी है, इसलिए टचिंग टचिंग हो रही। चल डालो डालो डालो, बाकी खराबी है, एक टूटा नहीं है, आ गया है, चल चुप कर, ना 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 ना, इसको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं छेड़ना हमें, यहाँ पे लगाओ ना, चलो मेरे पास, नहीं नहीं इतना ही सही है, चलो अब अरीबागा करो, नहीं अरीबागा सबसे आने पे होना है, अब तुम्हारा होना है, सबसे पहले मेरा होना है, मैं इससे बड़ी हूँ, तुम्हारा का थोड़ा है ना, नहीं इसका मैं करूँगा, मैं तुम मेरा अपना एंड पे लगना है, क्योंकि मैं सबका करना है, तो मैं पूछूंगा, इतनी चबलों की तरह लगा रही है, एक ब्राइट के साथ मैं पूरा हाथ लगाएगी, नूर फातिमा ये चीज के ऊपर तुम्हें स्कूल मिल जाए, तू एंजी फाड़ के ला ला पेंट ला, वही तो मैं कह रही हूं, वाह एवरेज चवली, मैं भी तेरे हाथ मार, फ्रेंड्स ये देख ले कैसे हाथ मार रहे हैं, मुंह ना कर, ये देख ले क्या कर रहे हैं, देख ले इधर रह गया तो मुंह हाथ मार, चलो छोड़ो, ये देख के जी उसके ऊपर लगा रही है, हाय मेरा अंगूठा मर गया, मर गया उसका अंगूठा, फ्रेंड्स मर गया, आत्महत्या कर ली तेरी, आत्महत्या क्या, तुमने मर्डर किया उसका, मैंने उंगली काट छड्डी बेचारे, है ये रे इतने बेहिस नहीं हूं, अच्छा वैसे वो ये पकड़ लो, इतनी नहीं हूं पर वो ना ला, किसकी बारी है, ठहरो मैं बताती हूं, ऐसी है मिनहाल की, अब मेरा मिनहाल की, मिनहाल ना ये देखो अब्दुल्ला, प्लीज हाथ डालो, प्लीज हाथ डालो,
तो ये अम्मी नाल लगा रही है। नू फातिमा अरीबा ने लगता है अपनी शक्ल देख ली है। गाइस आपको पता है हमने बिल्कुल अरीबा को इग्नोर किया हुआ है, हम अपना आपस में कर रहे हैं। नहीं जी अरीबा मेरी दोस्त है, मैं उसको इग्नोर नहीं करना चाह रही और क्योंकि अरीबा ने तेनू पहला ब्लॉक करा कि तेनू मैं पूरा करना है। अरीबा भी चांदी तू कर ला दोस्ती अरीबा भी आप ही देखो एने मैं बना ही लवाऊंगी एने मैं एने दो दिन पाला फट के बना दो दिन पाला बाद पढ़ाई सारा बस्ती को तेरी मां पेपर फड़ो सबसे प्यारा मेरा नहीं यू पंजाब है ना बदला ले रही हो अगे आ अगे आ कुदी आ सीट के अगे का यार आज मेरी बकसम से मेरे में हिम्मत नहीं है मैं बाद में बैठ के पानी नहीं कमर में दर्द हो रही है मैं पकड़ के आगे कर लेना वरना मैं कहना मान ले थोड़ा तुम मां थोड़ा तो आई मैं तो आ गया आई हूं आ आ मेरा छोड़ दे वहां नहीं बहन अपने हाथ वहां नहीं यार ऐसा कौन सा हाथ है यही वाला मैं नहीं पाऊंगी ना। गाइस अब ये रीबा की बारी है। अल्लाह मेरा हाल ही सीधा होता अपनी ये अंगूठी को जरा अंगूठा है फंसी हुई है लाओ मेरी उंगली इतनी पतली मैंने टाइट की हुई अब लाओ इन्हें मैंने कहा मामा कहती थी रास्ते में ना घूमे रास्ते में ना घूमे मैंने टाइट कर तो ली है उंगली ना स्वेल हो जाए। दरअसल मैं रीबा की दरअसल में प्रोफेशनल चोरी करते ये मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है माइयो हो लगे हाथ मुझे भी बड़ी हो रही है मुंह पे थोड़ी सी खारिश करो अच्छा आप समझ रही सबकी उंगलियां टेढ़ी बनती है ईशा पेंटर ही गलत है पेंटर बदलाओ मेरा कोई पेंटर बदला दो बहन हो गया ये थोड़ी ये दसे करो हां ये डिया से दिया करके लानियां ने मैं ते एंजी लानियां किथे लाना दिल ते करदा सब तो पहले इन्हें तबाह करा ए ले दो जाने पेपर उठ जाने इधर हाथ रखो नोट थोड़ी से थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे ए थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर बस रख दो और अंगूठा लाल ना सारा हाथ ही काबू यार कुछ नहीं होता मिनाल अगर कुछ हुआ कदम समझ के माफ करते मैंने नहीं उठाना मैंने ही रखा और तुम्हें चेक तुम्हें माफ कर दे मैं तुम्हें माफी देने वाली तुमसे मांगी भी नहीं है बेटा ये मेरा पेपर है मेरे पेन मैंने रखा भी कदम नहीं ऊपर आई अल्लाह आई मैं छोटा चपाला जो बेबी हूं अस्तगफिरुल्लाह मुझे बताती
तो ये हमारी कजन्स की लड़ाई झगड़े वाली ये पेंटिंग है, बहुत ही मेमोरी, ये याद ही रहेगी तो सही है। हमारा ट्रांसपेरेंट है दफा है ना बच्चों, हमारा ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि नहीं है कि अंगूठी पाई हुई है यार, ऐसे ऐसे करो। All I want to do is that. तो जी फ्रेंड, अभी हो चुका है शाम का टाइम। झूठी, रात का टाइम। अभी मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। अब मैं सोने लगी थोड़ी देर तक। सोने लगी हो? तुमने बातें करनी है अभी। तुमने मुझे सोने दिया तो सो जाऊँगी। लेकिन अब मुझे रेस्ट करना है, रिलैक्स होना है, लेटना है। तो अभी मैंने सोचा मैं आउट रोड। हमने तुम्हें इतना देर से बिठाया नहीं हुआ था। खुद ही बैठी थी तुम। हमने तो मना नहीं किया था। तुमने प्लान किया मिलके कि मेरे आउट रोड में बोलेंगे शोर करेंगे। अरीबा का शोरा बर्दाश्त कर सकते हैं हमारा तो फिर। अच्छा ये कैमरामैन लैदा ही बैठा हुआ है, ये लाइटें बार बार इधर 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 कारे कहाँ से छोड़े चे आ रहे हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो अब फिर मैंने आपसे आज का मेकअप खराब हुआ था, नेगा जरा लाइट लगा मार। मैंने कहा था आपसे फुल ब्लॉक किया था, अब फुल ब्लॉक मैंने आपको दिखा दिया। नहीं अभी तो नहीं हमने देखा। चलो फिर करो, कह रही बात में बात हो गई है। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा नहीं लगा हमने देखा ही नहीं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको कल नहीं भी भेजेंगे, डोंट वरी।